हेलो नमस्कार राम राम, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से जाट फैमिली में स्वागत है। आप देख रहे हैं किया सोनेट। जी हाँ दोस्तों, किया सोनेट। अब आप पता लगा सकते हैं ये कौन सा मॉडल होगा। नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, ये है किया सोनेट HTX मॉडल। बहुत ही प्यारी गाड़ी है और आप ये देख रहे हैं इसका रिमोट जी दोस्तों। और आप इसके रिमोट के होल्ड की को दबा करके इसको पुश करके रख कर आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है जी दोस्तों। बहुत ही प्यारी मतलब हेडलाइट लग रही है, बहुत ही प्यारी हेडलाइट दी है। और ये इंडिकेटर का विजुअल बहुत ही प्यारा आ रहा है जी। देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी। और इस गाड़ी में LED हेडलैम्प यूज किए गए हैं जी दोस्तों। देखिए रात को गाड़ी चलाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही प्यारे। और आगे चलते हैं और इसके और फीचर्स के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। ये इसका साइड प्रोफाइल है, बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों। इसके अंदर स्टील व्हील यूज़ किए गए, अलॉय व्हील यूज नहीं किए गए। अलॉय व्हील आपको मिलेंगे इसके टॉप मॉडल में। अब चलते हैं गाड़ी के बैक साइड में और देखते हैं पीछे से इसका कैसा व्यू आ रहा है। बहुत ही अच्छी लग रही है पीछे से, और इसका स्पेस भी काफ़ी अच्छा दे रखा है। इसकी हाइट भी अच्छी है, नीचे से टच होने का कोई खतरा नहीं है। चाहे आप मुझे कच्चे रास्ते में चलाएंगे तो भी नीचे से टच होने का कोई खतरा नहीं है। बहुत ही प्यारा इंडिकेटर भी दे रखे हैं, इंडिकेटर का भी बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है पीछे से, बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये सोनेट बहुत ही प्यारा लग रहा है। और जो बीच के अंदर जो किया का लोगो है, इस किया के लोगों के बिल्कुल ऊपर पार्किंग कैमरा दिया गया है। बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसको अच्छे से यूज़ किया गया, अच्छे से बनाया गया, मैन्युफैक्चर किया गया है। और ये जो नंबर प्लेट है इसके अंदर भी लाइट है, और इसके लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पार्किंग सेंसर दिए गए हैं जो आपको दिख रहे होंगे, बहुत ही अच्छे दोस्तों। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं अंदर से कैसी लग रही है। इसकी सीट भी काफ़ी अच्छी लेदर वाली सीट है, बहुत ही प्यारी सीट यूज़ की गई है। गाड़ी के बैक साइड में भी AC के दो पॉइंट दिए गए हैं, पीछे बैठने वाले लोगों को भी बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और ये है इसका आगे का व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही यूनिक। और इसके अंदर 10 इंच की टच स्क्रीन यूज की गई है, और बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बहुत ही अच्छी। और इसका स्टीयरिंग का भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। और आप देख रहे हैं इसके अंदर डिजिटल मीटर यूज किया गया है दोस्तों, डिजिटल मीटर है, बहुत ही प्यारा। और इसका पूरा रिमोट कंट्रोल स्टीयरिंग में दे रखा है HTX मॉडल में भी। और यहाँ दिया गया है स्टार्ट बटन, इसको आप पुश करके भी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसे स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेंसर के द्वारा ऑटोमेटिक पुश करने से हो जाएगी। हम चलते हैं आगे और आपको इस गाड़ी के सबसे प्यारे जी हाँ सनरूफ, बहुत ही प्यारा सनरूफ यूज़ किया गया है इसके अंदर, बहुत ही प्यारा। ये सनरूफ आपको बड़ी लग्जरी गाड़ियों में ही मिलता है। किया ने सनरूफ का बहुत ही प्यारा ऑप्शन दिया है, और ये सनरूफ की के द्वारा ओपन हो जाता है बटन के द्वारा। अब चलते ड्राइवर साइड विंडो की तरफ, पूरा लेदर से अच्छे से यूज किया गया है बारीकी से। अब चलते हैं सोनेट के टॉप मॉडल GT लाइन। ये है सोनेट का टॉप मॉडल GT लाइन। इसमें और HTX में ज़्यादा कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस इसके अंदर जो रेड 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 जाली के अंदर जो कलर दिया है, और राइट साइड में GT का लोगो। और ये है सोनेट टॉप मॉडल GT लाइन का साइड प्रोफाइल। इसमें और HTX में सिर्फ अलॉय व्हील का फ़र्क है, उसमें स्टील व्हील यूज किए गए और इसके अंदर अलॉय व्हील, और कुछ फ़र्क नहीं है। टॉप मॉडल और HTX में सीट में काफ़ी फ़र्क है, इसमें फ़र्क दे रखा है। यह है टॉप मॉडल की सीट है, इसके अंदर वेंटिलेटर सीट का यूज़ किया गया है, जिसके अंदर से AC की हवा आती है और पसीना नहीं होता। और सीट पर GT लाइन का लोगो भी लगा हुआ है एक साइड में। दोनों के अंदर सेम स्पेस है, पर सीट का फ़र्क है, सीट में थोड़ी सी क्वालिटी का फ़र्क है। और AC के अंदर इसमें फ़र्क दे रखा है, AC के ऊपर जो आपको डिस्प्ले दिख रही है
और ये इसका गेयर बॉक्स तो आप देख रहे हैं, ये टॉप मॉडल में ऑटोमेटिक है तो इसलिए ऑटोमेटिक का दिया हुआ है। और इसमें डिस्प्ले में फ़र्क है, उसमें डिस्प्ले थोड़ी सी छोटी है और इसके अंदर टॉप मॉडल में थोड़ी सी डिस्प्ले में 2 इंच का फ़र्क है, डिस्प्ले बड़ी है। सनरूफ सेम है, बाकी सब फीचर्स सेम है, डिस्प्ले का फ़र्क दे रखा है। स्टेयरिंग में भी लेदर स्टेयरिंग यूज़ की गई है और इसके ऊपर GT लाइन का टैग भी दिया गया है, ये भी फ़र्क है। बाकी सब चीज़ें सेम है, बस पैंडल में फ़र्क दिया है, टॉप मॉडल में स्टील पैंडल यूज किए गए हैं। और यहाँ पे सीट के साइड में राइट साइड के अंदर फ्यूल की दी गई है और इधर आगे की तरफ बोनेट की दी गई है और इसको मैंने पुश किया और बोनेट ओपन हो गया है। अब दिखाते हैं आपको इसके इंजन, इसका और हुंडई वेन्यू का इंजन सेम है, दोनों गाड़ियों के इंजन में कुछ भी फर्क नहीं है, सेम इंजन है। ये है इसका इंजन, CRD टर्बो इंजन, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पावर इंजन कहा जा सकता है और ये साबित भी हो रहा है मार्केट में, टर्बो इंजन काफ़ी अच्छे से यूज हो रहा है अभी। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि ये एवरेज क्या देती होगी, ये एवरेज देती है 24 का, तो मैं इसको मानता हूँ 20 का, कंपनी ने 24 का बता रखा है। और इसकी HTS और GT लाइन का एवरेज सेम है, दोनों गाड़ियों का एवरेज में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, एवरेज सेम मिलेगा। और HTS की ऑन रोड प्राइस है 12,16,000 रुपये और GT लाइन में ऑटोमेटिक 15+ की पड़ेगी। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे गाड़ी के साथ और क्या मिलेगा, दोस्तों गाड़ी की जो बेसिक एसेसरीज है वो आपको कम्प्लीटली गाड़ी के साथ लगा के दी जाएगी। अभी तक सोनेट की एक भी डिलीवरी नहीं किया इन्होंने, तो अभी ये सेल्टोस की डिलीवरी हो रही है तो उसकी एसेसरीज उसके ऊपर लगाई जा रही है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। भैया वो गाड़ी की डिलीवरी कर रहे हैं तो फटाफट इस गाड़ी की एसेसरीज लगा रहे हैं और आपको यह भी दिखाएंगे कि एसेसरीज लगाने के बाद गाड़ी में क्या चेंज होता है, लुकिंग में चेंज होता है। जी हाँ दोस्तों, लुकिंग में काफ़ी चेंजिंग होगा, आपको दिखाया जाएगा एसेसरीज लगने के बाद और पहले क्या चेंजिंग होता है। आप जो देख रहे हैं जो विंडो है, इसमें भी काफ़ी चेंजिंग हुआ एसेसरीज लगने के बाद। अब आपको दिखाते हैं नॉर्मल, तो ये सोनेट नहीं है, ये सेल्टोस है। मैं आपको एसेसरीज की जानकारी देने के लिए आपको आगे वीडियो दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आपको पता चलेगा एसेसरीज भी साथ में गाड़ी के मिलती है। और अगर आपको दोस्तों नहीं मालूम हो कि गाड़ी के साथ बेसिक एसेसरीज क्या क्या आती है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना व्हाट्सएप नंबर टाइप करें और अपना नाम और आपकी लोकेशन, आप कहाँ से है वो मेरे को भेजें। जो भी एसेसरीज की जानकारी होगी मैं आपको भेज दूंगा, जिससे आपको एसेसरीज के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दोस्तों इसी के साथ अलविदा, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।